व्रत त्योहारों के मौसम में आप एक ही तरह की सब्जी खाकर बोर हो गए हो तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, न्यूट्रिशियस और आसानी से बन जाने वाली सब्जी मखाना करी। यह सब्जी मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई है। तो स्वागत है आपका गुड फूड किचन में, और चलिए बनाना शुरू करते हैं न्यूट्रिशियस मखाना करी। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च के दाने, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच खसखस, लगभग 1/2 इंच अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालें, 1/4 चम्मच सौंफ। इन्हें लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें, 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक। इन्हें चलाते हुए आपस में मिक्स कर लेना है और ढककर लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लेंगे और उसमें डाल देंगे 3 कप मखाने। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और मखानों को लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। मखाने हमारे भूनकर तैयार हैं तो इन्हें अब अलग रख देते हैं। इधर ये भुने हुए मसाले भी ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच पानी। अब इन्हें पीसकर इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे ये पिसा हुआ मसाला। इसे पहले थोड़ा सा चलाकर मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे चलाते हुए भूनना शुरू करेंगे। धीरे धीरे मसालों का कलर चेंज होने लगा है। चार से पांच मिनट हो चुके हैं मसालों को भूनते हुए। अब ये अच्छी तरह से भून चुके हैं, इनका रंग भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं घी भी किनारों से अलग होने लगी है। अब इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे 1.5 गिलास के लगभग पानी। इसे चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन्हें ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर रखेंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पर भुने हुए मखाने को डाल देंगे। इन्हें पहले चलाकर मिक्स कर लेंगे और ढककर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 1 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और ये लीजिए, हमारे सुपर न्यूट्रिशियस मखाना करी रेडी है सर्व करने के लिए। तो इन्हें ताजे हरे धनिये से गार्निश कर दें। तो एंजॉय करें सुपर टेस्टी सुपर न्यूट्रिशियस मखाना करी को। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी यह छोटी सी हेल्प वीडियो को रैंक करने में मदद करती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।